हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के लिए राहत की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेबीटी शिक्षक घोटाला मामले में जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के लिए दिल्ली सरकार से जल्द विचार करने का निर्देश दिया है। ओपी चौटाला इस समय तिहाड़ जेल में इस मामले में सजा काट रहे हैं। ओपी चौटाला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है। बता दें कि ओपी चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना के हवाले से दलील दी थी। अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70% वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उसकी रिहाई पर विचार कर सकती है। याचिका में चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 83 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे 7 साल की सजा काट चुके हैं। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला व कई अधिकारी हरियाणा में जेबीटी शिक्षा भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। ओम प्रकाश चौटाला व अजय तिहाड़ जेल में बंद है। साल 2018 में जुलाई 2018 में भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें विकलांगता और उम्र के लिहाज को देखते हुए किसी जो कैदी को आधी सजा में छोड़ने के लिए कहा गया था। माननीय चौटाला जी की उम्र 82 साल थी और उनकी दिव्यांगता भी है। इसके तहत हमने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जो कि दिल्ली सरकार ने उनके पक्ष में फैसला ना दिया। हम पिछले साल हाईकोर्ट में दोबारा आए, हाईकोर्ट से दरख्वास्त की कि दिल्ली सरकार अपना फैसला नहीं सुना रही है और जिस पे हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार को डायरेक्शन पास करी कि आप इस मसले में अपना फैसला सुनाएं, तो दिल्ली सरकार ने उसके बावजूद भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का हवाला दे करके और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो आज जो मामला न्यायालय में जजमेंट रिजर्व थी इसकी, माननीय मनमोहन और माननीय संगीता धींगरा सहगल की बेंच के समक्ष, तो इस जजमेंट में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के जो दो तर्क थे, विशेष तौर पर एक ये कि जो नोटिफिकेशन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात कही गई है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सजा माननीय चौटाला जी काट चुके हैं, तो ऐसे में उनकी रिमिशन को, उनकी समय से पूर्व रिहाई को खारिज करना ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि जो दिल्ली सरकार ने ये माननीय न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखा कि जो भी कैदी रिहा होने थे भारत सरकार के नोटिफिकेशन के तहत, ऐसे कैदी 2 अक्टूबर 2019 तक रिहा हो जाने थे, तो ऐसे में इनकी याचिका जो है इन्फेक्शस हो गई है तो उसको जो है रद्द किया जाए। तो माननीय हाईकोर्ट ने उस फैसले को, उस तर्क को भी दरकिनार करते हुए ये होल्ड करा है कि आप ऐसे में कैदी जिसकी याचिका पेंडिंग है और उसको आप इस तरह से खारिज नहीं कर सकते, इस तरह से वो प्री मेच्योरली खारिज नहीं कर सकते। तो दिल्ली सरकार को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं कि आप इसके दोबारा फैसला सुनाएं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।